तो हेलो दोस्तों, यार कैसे हो यार आप सभी। तो आप लोगों का कल एक अपडेट आ गया था MBA और MFA का। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे वॉइस वगैरह में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ही लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मे भी कोई भी गिलच हो। बाकी मैंने तो भाई माइक लगाया हुआ है भाई, 5,000 का माइक है, तो पता नहीं भाई कैसे प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ मेरे। ठीक है, तो होपफुली वॉइस वगैरह सबको सही आ रही होगी। MBA और MFA का आप लोगों का आ गया था, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 23 तारीख को शाम 5 बजे ओपन हो गया था, जो भी लोग पूछने लग रहे थे। अब इसमें आप लोगों को फीस वगैरह कब से जमा करनी है, फीस तो मतलब कर ही सकते हो सबमिट, तो फीस आप लोगों को 25 तक करनी है, रात में 12 बजे तक आप लोग कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी स्पीड में काम चल रहा है अब एडमिशन्स का, MBA और MFA में यहाँ पर कर सकते हो। अब इसके अलावा और बात कर लेते हैं आप लोगों की, एक अपडेट आप लोगों की और आई थी यहाँ पे, MBA MFA का हो गया और MCOM का भी यहाँ पे आया था। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि MCOM का बता दीजिए, MCOM का बता दीजिए, तो MCOM का भी भाई साहब देख लो, यहाँ पे सेकंड अलॉटमेंट आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके देख सकते हो, MCOM का है, BPED का, LLB का। इनका काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि इनका कब आएगा, तो सेकंड अलॉटमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप लोगों को 3 दिन पहले कि 3 दिन में आ जाएगा, तो तीसरे दिन ही आप लोगों का आ गया है, 23 अगस्त को यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और मेरिट के अनुसार चॉइस फिलिंग देखते हुए सीट आवंटन कर दिया गया है, सीट अलॉटमेंट आप लोगों का आ गया है, और इसकी भी आप लोगों की लास्ट डेट है 25 तक आप लोगों को सबमिट करनी है फीस। जिनको मिल गया है अपने पोर्टल पर लॉग इन करो भाई साहब, ठीक है, दिख जाएगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं सबसे हॉट टॉपिक की आप लोगों की, ठीक है, वो है आप लोगों का MBA का। ठीक है, तो MBA का कल मैंने वीडियो बनाया था, तो अभी सेपरेट कर देते हैं उसको भी, क्योंकि कल मैंने लगभग लगभग ये समझ लो आज से 1 घंटे उसमें लगाया होगा। ठीक है, लेकिन पर जो ऊपर ऊपर की जो मुझे चीज़ें समझ में आई वो आप लोगों को मैं समझा दूंगा, और IMS की इतनी नेगेटिव इमेज बना दी है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उस पर भी वीडियो बना देंगे कि क्या उस पर सीन चलने लग रहा है, कैसा के प्लेसमेंट स्टेट सब पूरा, जितना भी डाटा यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है और जो और भी डाटा है वो भी सारी चीज़ें, ठीक है ना, तो वो है हम लोगों के पास, तो वो भी आप लोगों को शेयर कर देंगे क्या कैसा क्या सिस्टम है। तो इतनी सी अपडेट थी आप लोगों का, तो 25 को आप लोगों की लास्ट डेट है, तो इन सभी का आप लोग कर देना जमा, और जिन लोगों का नहीं हुआ है, ठीक है, तो इनके में समझ लो LLB वगैरह में अब सेकंड अलॉटमेंट अब नहीं आएगा, आई थिंक थर्ड अलॉटमेंट जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि LLB में बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत भीड़ है LLB में यहाँ पर। ठीक है, तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि इन सब का अब आएगा, MCOM वगैरह का फिर भी आ सकता है अगर सीट्स वगैरह बचेंगी, लेकिन LLB वगैरह का मुश्किल लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और जिनको अगर कॉलेज मिले होंगे तो कॉलेज वालों का थर्ड अलॉटमेंट में बेसिकली बोल देंगे उसको थर्ड अलॉटमेंट, लेकिन उसमें अगर नए बच्चों का नहीं होता है, ठीक है, तो कट ऑफ आप लोगों को वही सेम दिखेगी। ठीक है, कट ऑफ आप लोगों को सेम दिखेगी सारी की सारी, अगर सीट्स नहीं बचती हैं तो थर्ड अलॉटमेंट वो देंगे अगर, तो कॉलेज वालों का उसमें आएगा, ठीक है, बाकी बच्चों का नहीं आएगा जिनको कॉलेज अलॉट हुए हैं। तो ये अपडेट था बेसिकली, होपफुली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टेक केयर, बाय बाय।